हम लोग बाहर निकल गए हैं, अब जाएंगे एंट्री गेट से बाहर। जो हम जो जूता चप्पल लेंगे, जूता चप्पल तो उधर है। अब जाएंगे जहाँ पर भगवान का राम मोहन का साधु हुआ, तो वहीं पे जाएंगे मरवा के पास। ठीक है गाइज, मैं जा रहा हूँ, टिकट लूँगा वहाँ पर, और जहाँ पर राम मोहन का शादी हुआ था ना, बताया था अगली वीडियो में जो शादी हुआ था वहीं पर जाऊँगा और टिकट लूँगा। यार यहाँ पर टिकट का भाव बहुत ज़्यादा है, यानी कि दाम यहाँ पर देखियो कितना दाम है, दिखा रहा हूँ आप सबको। नेपाली में 10 रुपये लिखा है और इंडिया में ना 7 रुपये लिखा हुआ है। यहीं से लेंगे टिकट। तो फाइनली मैं हम सब ने टिकट ले लिया, वो ले रहा है मेरा मामा जी, ले रहा है टिकट और ले लिया टिकट मेरे मामा का, ले लिया जी को ले लिया। अब अंदर जाकर दिखाएंगे टिकट कितना, वो आप सभी को दिखाएंगे अगले वीडियो में। हम लोग जा रहे हैं, टिकट मेरे को दे रहा है मामा, दे रहा है टिकट, तो मैंने ले लिया है, देखो दे दिया इसको टिकट, दे दिया भाई टिकट लेके पहुंच गए। अब भाई देखो तू भी दे दिया टिकट भाई, सब ने दे दिया भाई टिकट। तो यहाँ पर वही घूमने का सिस्टम तो आपको मस्त है यार, घूमने का सिस्टम मस्त है ना। वो भाई चाइनीज चाइना वाला घर आ गया, देखो ये जैसे लग रहा है चाइनीज का घर है, लेकिन ये पर भगवान का घर है भाई। इसमें देखो पानी भी है, पानी पर सूख गया, मैंने देखा नहीं था इसमें, भूल गया। तो ये देखो चाइनीज की जैसे घर है, इसी घर के पीछे ना, इस मंदिर के पीछे मेरा रूम है। क्या पता देखने बस इतना, देखो भीड़ जमा पर रहता, अभी तो और भीड़ था, ये धूप की वजह से खाली हो गया। बरगद का पेड़ है, हाँ कटहल का पेड़ है इतना, नहीं बरगद का पेड़ है वो आम का पेड़ भी था वहाँ पे भाई। दिखा भाई, हम लोग चप्पल जूता आप खोलेंगे और सीढ़ी पे चढ़ के जाएंगे उस मंदिर के ऊपर। खोले यहीं पे भाई जूता खोल ले मैंने। तो फाइनली हम सब ने चप्पल जूता खोले, आए देख इधर आ जा भाई, उधर दे दिखा दे। अब मंदिर का परिक्रमा यानी कि चार को तो और दिख के आप सबको दिखाएंगे कौन कौन सा भगवान सब है यहाँ पर। सब भगवान है, जितना भी भगवान है सब भगवान है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ शादी हुई थी, यहीं पर शादी हुआ था राम भगवान का, तो सब भगवान आए थे उसके शादी में, सब भगवान आए हुए थे है ना भाई उनके, हाँ उनके शादी में आए थे ना। कितना मस्त लग रहा है देखने में, तो एकदम टॉप की लग रही है देखने में। देखो क्या हुआ, पक्षी है ना, तो क्या होगा मंदिर भी है इसमें, भगवान सीताराम है इसमें, देखो सोने का वो चढ़ा रखा है वगैरह। ओ अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, नहीं दिख रहा है पीछे बगल में, देखो कबूतर कैसा है, ये देखो ब्लैक कबूतर है, ये देखिए इसमें पड़ा हुआ है, एक देखो पानी में पड़ा हुआ है, गर्मी लग रही है इसको ना, इसी कारण नहा रहा है। उड़ गया, वायर उड़ा दिया, टंगा हुआ है ऊपर ऊपर, घंटी को मैं बजा के दिखाऊंगा, दिखाइयो बार जरा भाई, छोटे भाई घंटी बजा के दिखाएगा आप लोगों को, कोई नहीं बजा पाएगा। अरे देखो बजा दिया इसने, मैं भी बजा लूंगा भाई, बजा के दिखाएगा। छोटू भाई गिरन मत जियो, सही से बजियो, नहीं खड़े क्यों होगा भाई, तू अपने सपोर्ट से करना। देखो छोटू भाई कर नहीं पा रहा, डर रहा भाई, देखो घंटी बजा पाएगा या नहीं पाएगा, देखो बच गया, इसका तो आवाज़ ज़्यादा हो गया भाई। तो हम लोग ने घूम लिया, अब जा रहे हैं हम नीचे। यार इतना मंदिर है कि मेरे को पाँव तो दुख गया, पाँव मेरा दर्द कर रहा है यार। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे आपको जब हम रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, जब मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स अब हम घर जा रहे हैं, इसलिए जनकपुर स्टेशन आ चुके हैं हम, यहाँ पे 3 बजे आएगी ट्रेन।
तो टिकट विकट ले लेंगे, ट्रेन आ जाएगी, फिर जनकपुर जयनगर में मिल जाएंगे सीधा, जयनगर से घर निकल जाएंगे, शाम तक घर पहुंचेंगे। चलो अब अंदर की थोड़ी क्लिप मारते हैं फिर दिखाते हैं आपको। मैं यहाँ पर सोया पड़ा था, छोटू भी आ गया, अपनी गेल के आ गए बंदे सारे, देख सकते हैं आप। टिकट ले लिया, घर जा रहे हैं, जयनगर पहुंचने में 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा। उसके बाद 4:30 बजे तक गाड़ी होगा तो होगा, और 6 बजे तो छोटू की तरफ दिखाइयो। बंदा रो रहा है पर बता नहीं रहा किसी को, बंदा अंदर ही अंदर रो रहा। ओए कृष्णा कहाँ आ गए? तो 4:30 बजे वाली से चले जाएंगे, आ जाओ भाई। ओए पहुंच गए, अरे आराम से उतरेंगे। कृष्णा कृष्णा टिकट मत फेंकियो, मेरे पास वो चेक करेगा। हां ओए टिकट मत फेंकना अंकल, जल्दी आ जाओ, खाली है भाई, भीड़ देख सकते हैं आप लोग। चलो बाहर मिलता हूँ अब बहुत। तो फ्रेंड्स हम उतर चुके हैं जयनगर में, उतर गए और प्लेटफॉर्म 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ गए और अपनी ट्रेन में बैठ गए जो हमारे घर तक जाएगी। तो हम आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं आप लोग। हम अपनी लोकल ट्रेन में बैठ गए जिसमें पंडोल बैठ के जाएंगे और पंडोल से हम घर जाएंगे। देखो भाई कृष्णा भाई को देखो, बाकी लोग वहाँ बैठे वो सब राजनगर उतर जाएंगे और हम इधर अपने जयनगर से मेरा ट्रेन खुल गया, मैं पंडोल जाके आ सकूंगा। उसके बाद आगे वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि पंडोल उतर के मेरे को, यार नेपाल जाने के बाद ना मेरे को बहुत अच्छा लगा, पर गाड़ी में भाई मुझे मजा आया, बहुत मजा आया और गाड़ी में बहुत भीड़ था भाई, टिकट लेके फिर भी मजा आ गया भाई। और जयनगर वाले में इतना भीड़ नहीं होता भाई। इधर दिखाता हूँ बैक कैमरे से इस ट्रेन में कितनी घुस चुके, ये देखो भाई फुल टू फुल गर्मी में बंदे मर रहे हैं, इंजन आ गया भाई अब तो। जयनगर से गाड़ी खुल भी गई, अब राजनगर में मौसी वौसी सब उतर जाएंगे, नानी गाँव जाएंगे, इसीलिए तो दोस्तों छोटू भी हमारे साथ जा रहा है भाई। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं अचानक से प्लान बन गया कि छोटू भी जाएगा हमारे साथ। देख सकते हैं आप लोग राजनगर में सारे उतर रहे हैं। कल बांस काटना है भाई, ठीक है ना? ये मत गल्ला मम्मी के पास मौसी बोसी अबनो, मेरा ही था मम्मी मम्मी मेरी। ओए रो क्यों रही है, वीडियो बना रहा हूँ तेरे पे, रुकते तो उठो। तो शिवम उतर गया, देखो शिव भाई। तो ये ब्लॉग में एंड हो रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं यहाँ से, लास्ट ब्लॉग में थे ये लोग। Oh, she's got a... Nani! Nani! Nani!
चलो भाई बाय बाय कर दिया हमने, अपनी गाड़ी स्टार्ट होगी तो हम निकल लेंगे। बता ये देखो ट्रेन रुक गई हमारे यहाँ पे पता नहीं कैसे। नहीं नहीं ब्रेक मार दिया, ब्रेक मारता है वो सब। चलो एकदम से हो गई गाड़ी। चलो आपने कुछ अबे बैग क्यों लेना, यहाँ से देख रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है ट्रेन। भाई देखो चल गया आप गाड़ी। भाई तो अब ब्लॉग हम एंड करते हैं, अब अगले ब्लॉग में मिलेंगे आप लोगों से छोटू और सबके साथ।